ताजी लगे हुए हैं पैकिंग करने के अंदर। मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो रोल है ना, ये देखिए यही है वो लड़की जो आज बहुत सुंदर लग रही है। हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग सभी को। सो अभी टाइम हो गया है 9, अब ऑलमोस्ट हमने सारी अपनी सुबह की साधना मैंने कर ली है कंप्लीट। मैं सोच रहा था कि किसी एक दिन क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें ये मेंशन हो, वो शायद मैं DSLR से शूट करूं, कि सुबह 4, 4:30 या 5 बजे से लेकर 9 बजे तक का हम लोगों का शेड्यूल क्या होता है और किस तरीके से हम क्या क्या चीज़ें उसके अंदर करते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, जल्द ही आप लोगों के सामने लाऊंगा। और अभी दूसरे रूम में तैयारी हो रही है शाम के इवेंट की और मम्मी पापा लगे हुए हैं चीज़ों को संभालने में। मेरा मम्मी पापा दोस्त, शाम को हमें जाना है अपनी सिस्टर के यहाँ क्योंकि सिस्टर को हुआ है बेबी बॉय, तो आज उसकी छठी का प्रोग्राम है तो हम लोग आज वहाँ पर जाएंगे। पिताजी लगे हुए हैं पैकिंग करने के अंदर, ये सब क्या है कपड़े। अब आपने यहाँ बेड क्यों खोल दिया है, इसमें से क्या निकाल रहे हो? साड़ी निकाल रहे हो? साड़ियों का खजाना है आपका यहाँ तो। माताओं के पास एक चीज़ की कमी कभी नहीं होती और वो है साड़ियाँ, भरपूर साड़ियाँ होती हैं सभी के पास, है ना। एक और आ गई, आपके पास साड़ी की कमी होगी ना भाभी, है ना। क्यों, ये तो हर लेडी का रोना होता है कि मेरे पास साड़ी नहीं है। और ये है आज का प्रसाद, रोटी। ये क्या है, चटनी किस चीज़ की भाभी? है पुदीने की चटनी, अंडे एंड दही। और गर्मी में ठंड का एहसास दिलाने के लिए हमारे पास है तरबूज। एक और निकाल लेते हैं, कम पड़ेगा, निकाल लेता हूँ एक और। और ये मैं पूरा मार्केट से लेकर आया था और वो मिला था मेरे को कितने में, 5 रुपए में, 5 रुपए किलो। और यही बाहर लेने जाओगे आपको 12-15 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। 30 रुपए? 30 रुपए भाभी, 30 रुपए बता रहे हैं। हाँ अभी भी 30 है, बहुत हो कम होगा तो 20-25 तो 15-20 रुपए तो दे ही रहा होगा फिर भी, अगर वहाँ 5 मिल रहा है शायद ज्यादा भी। और अब खाया जाए। लावण्या क्या कर ले हो? लावण्या क्या खाओगी? पापा क्या कर रहे हैं? पापा खा रहे हैं, बड़े पापा। तरबूज हैं बहुत ही ज़्यादा मीठे, बहुत मीठे तरबूज आए हैं। लावण्या बू तेरी ये फिक्स जगह है, यहीं आके खड़े होना। और पिताजी हमारे कर रहे हैं यहाँ पे जुगाड़। कर भी दिया इनफैक्ट। अनवी तुम इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? तुम्हारे गिफ्ट्स नहीं है, है? तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़े ना है। 20 साल की बुढ़िया। 20 साल की बुढ़िया। 20 साल की? तुमने व्लॉग में इसकी एज बता दी, दिस इज नॉट गुड। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, ये जो रोल है ना, भैया ने वैसे अभी बताया, मैं सोचा ये आप लोगों को भी पता होना चाहिए। ये जो रोल देख रहे हो आप, इस रोल के अंदर किसकी, भैया की शादी, मेरी शादी, सिस्टर की शादी, हम तीनों की शादी कंप्लीट हो गई है। इसी से गिफ्ट पैकिंग हुए हैं सारे। किसकी शादी में? तो नीतू की शादी 2015 में थी भाभी। वही तो नीतू की शादी पैक कर दी। 15 से आज 7 साल हो गए, सिर्फ एक रोल को अभी तक ये हमारा रोल ही खत्म नहीं हुआ। और अब हम बर्थडे के भी पैकिंग हम इसी रोल से करते हैं। सो आप लोगों के किसी इवेंट में अगर हम आए और आपको गिफ्ट दें और यही रोल मिले तो आप चौंकिएगा नहीं। लावण्या ओ खीरा खाएगी और लावण्या का ब्रेकफास्ट यहाँ रेडी हो रहा है, है ना लावण्या? ओए मैडम हो गई, हो गई। सो अभी हमारे गिफ्ट पैक हो गए हैं, कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4 और अभी यहाँ बचे हैं 2, 3, 4, 5, 6 भाई साहब कितने सारे हैं। और ये सारे अभी पैक होने हैं,
और नाश्ता करके हमारी मैडम करेंगी इसको पैक। तुम्हारा तो बर्थडे भी नहीं है। सो अभी जस्ट मैं ऑफिस से आया हूँ घर पे, कुछ ऑफिस के काम थे वो निपटाए हैं और हैंड वॉश कर लिया। चाय खाना खाने का भी टाइम हो चुका है, खुलेंगे। अनवी हमारी अभी अभी आई है, इधर आ अनवी, इधर आना अनवी, इधर आ। मैं आप सबको दिखाता हूँ इसकी टी शर्ट के पीछे क्या लिखा हुआ है। ये रोज जाती है शूटर अकेडमी, शूटिंग करने के लिए जाती है अनवी रोज। सो यही है वो लड़की जिसको पसंद है सबसे ज़्यादा मोमोज। सारी लेडीज़ों को, लड़कियों को मोमोज क्यों पसंद है इतना? का फास्ट फूड में सबसे फेवरेट क्या है? चाट, कौन सा चाट है? भल्ला पापड़ी नहीं। और अब हम जानेंगे मोमोज की लिस्ट, कितने प्रकार के मोमोज आते हैं। क्रंची, कुरकुरे और अफगानी, अभी तक तुमने नहीं बताया। ये तो 6-7 ही हुए यार। हाँ, तो इसमें भी चिकन विकन आ गया ना, चिकन। ओके, चॉकलेट मोमोज भी आ गया है। चॉकलेट मोमोज उसमें क्या होता है? मतलब मोमोज के अंदर बस चॉकलेट भर देंगे। तो आज हम पहनेंगे ये पैंट एंड येलो शर्ट। लवाने आप ही रही है दुदू, कहाँ है प्रेस, इसको लगाया जाए। तो आधे से ज़्यादा लोग तैयार हो चुके हैं, रिया भी तैयार है, अनवी भी तैयार है, एंड ये तारीफ कैसे तारीफ। ये देखिए यही है वो लड़की जो आज बहुत सुंदर लग रही है, और दोनों बिल्कुल मैचिंग पहना हुआ है दोनों ने। अनवी भी सुंदर लग रही है लेकिन डिफरेंट ड्रेस है ना। भाभी भी रेडी हो चुकी हैं। लावण्या हंसी हंसी कर दो, लावू ऐसे कर ना, खाने में अभी भूख लगा हुआ है भगवान को। अपना बाकी का रेडी तो कर लेते। यहाँ पर हो रहा है फोटो सेशन, नेचुरल आएगा, कैंडिड। हाँ हो गया, आ गए हैं हम सभी नीचे, और ड्राइवर आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है आपकी सेवा में, और गाड़ी के आगे कुछ है भी नहीं। तो हम सभी तैयार होकर अब निकल चुके हैं। अनवी तुमने बोला था कि 6 तो बजेंगे, लेकिन 6 से भी ज्यादा हो गया। मैंने कहा था वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम कह रही थी 6 तो बजे जाएंगे। अरे यार रिया, हाँ मैं अनवी, रिया, लावण्या सब में कंफ्यूज हो रहा हूँ। सभी फिलहाल हम लोग आ गए हैं मिठाई की शॉप पर। 1 किलो देना है। कुछ क्या ले रहे हैं? मोतीचूर, मोतीचूर के लड्डू ले रहे हैं। 1 किलो ये ले रहे हैं, ऐसे कर लीजिए। हाँ 1-1 किलो तो सही है। तो अभी फिलहाल हम लोग 1 किलो मोतीचूर और 1 किलो बालूशाही ले रहे हैं। ये हीरा लाल की शॉप है और इन लोगों का बालूशाही बहुत ही टेस्टी होता है। हो गया फाइनल, ये रहा बालूशाही। इधर लाओ बॉल, लाओ लावण्या बॉल लेकर आओ। कहाँ गया बॉल? यहाँ है, इसके पीछे वो रहा। सो रहा है, जगा हुआ अभी है। सही है, इसकी तैयार हो रही है, बच्चा पार्टी यहाँ बैठी हुई है। इतना सीरियस क्यों है भाई तू? वो अभी इस पे खेल रहा था एक दूसरा बच्चा, वो आगे ही गिर गया पूरा। और अनवी भी अब बन गई है छोटी छोटी बच्ची। हटो ना, दोनों सामने ही आके खड़े हो गए यार। ये रहे, हाँ।
होगी थोड़ी सी सो इवेंट अभी जस्ट ख़त्म हुआ और मैं आ गया हूँ घर पर। एक्चुअली एक क्लाइंट से मेरे को काम था तो मैं वहीं से क्लाइंट से मीटिंग कर ली और फिर घर पर आ गया हूँ। वो लोग अभी वहीं पर हैं घर वाले, वो भी जस्ट अभी थोड़ी देर में मेरे यहाँ से पहुँच जाएंगे। 9:30 बज चुके हैं। इतनी रात को भगवान को भोग लगा रही है अनवी, क्या लगा रही है भगवान को भोग? तेरे को जगह भूल गई थी तू, हैं हैं तू जगह भूल गई थी, इधर दिखा शक्ल। और मैं 2-3 बार रिया 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 की जय हो, इसने पागल बना दी। कंफ्यूजिंग तो कुछ भी नहीं था रिया। अरे आप हमें रैंप से नीचे ले गए थे, लिफ्ट से ले गए। लिफ्ट से नीचे लेके सेकंड फ्लोर पे लेके गया था -2। लिफ्ट से कब ले गए? पहले हम एम में चले, एम से एम में चले गए थे। और मैंने एन बोला था तो एम में क्यों चले गए थे? सो क्योंकि गाड़ी में छोड़कर आ गया था और मैं स्कूटी से आया था, इन्हें बता के गया था सारा कुछ कि गाड़ी कहाँ खड़ी है। ये लोग 15-20 मिनट तक गाड़ी ढूंढते रहे क्योंकि हमारी रिया मैडम भूल गई थी कहाँ थी गाड़ी। आज के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। बहुत रात हो गई है, 11 बज चुके हैं, आज लेट हो गया है। सो अभी सोने की तैयारी करते हैं और सोएंगे। लावण्या सबको बाय बाय कर दो, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। यहाँ देख के लावण्या, बाय बाय।